तो हम लोग शुरू करते हैं हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट और लाइफ राफ्ट कैसे काम करता है। देखिए, वो लाइफ राफ्ट आपके डेक पर ऐसे दिखेगा। ये कैनिस्टर है, प्लास्टिक का है, ये लाइफ राफ्ट है। इसमें लैशिंग होती है, ये लैशिंग होती है, इसको लैशिंग कहते हैं, यानी जिस तरीके से इसको बांधा जाता है उसको कहा जाता है कि लैशिंग है। लैशिंग में आपको दिखेगा एक इक्विपमेंट यहाँ ऑरेंज कलर का छोटा सा, ओके। ये आपका होता है हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट, ठीक है ना। डेक पर आपको इस तरह का लाइफ राफ्ट दिखाई देगा, ये हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट है। लाइफ बोट भी रहती है, हमको जहाज जब छोड़ना होता है, अबेंडन शिप करना होता है, तो हम लाइफ बोट पे जाते हैं। लेकिन इमरजेंसीज के लिए, और भी इमरजेंसीज के लिए, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट हमको देता है ये लाइफ राफ्ट। लाइफ राफ्ट डेक पर, खुले डेक पर लैश्ड होता है। लैश्ड होता है यानी कि बांधा गया होता है किसी तरीके से। ये बांधा गया होता है किसी तरीके से, एक्चुअली वो तरीका जो मेकर ने बताया है उसी तरीके से बांधा जा सकता है। ये जो मेकर ने बताया है, ये स्ट्रैप लगाया है, स्ट्रैप में एक ये छोटा सा इक्विपमेंट लगा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट, ठीक है। यहाँ से पेंटर, इसके अंदर में एक रस्सी गई है, उसको बोलते हैं हम लोग पेंटर। पेंटर जाके इस हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट के पास में एक होता है वीक लिंक, उससे बंधा रहता है, ठीक है। वीक लिंक से बंधा रहता है, कैसे बंधा रहता है अभी मैं दिखाता हूँ। और प्लस लैशिंग जो है जहाज के किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट से बंधी रहती है, यहाँ पे शैकल दिखाई दे रहा है, ओके। तो लाइफ राफ्ट जब खुलता है तो कुछ कुछ इस तरीके का हो जाता है। वो कैनिस्टर्स जो है दोनों किनारे किनारे प्लास्टिक वाले, वो खुल के गिर जाते हैं, और अंदर में इसके एक छोटा सा गैस का सिलेंडर होता है, चाहे वो आपका ये हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई और गैस हो, वो गैस का सिलेंडर। एक्चुअली जो पेंटर अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, वो रस्सी उस गैस के कैनिस्टर के ओपनिंग सिस्टम से जुड़ी होती है, उसके वॉल्व से जुड़ी होती है। उस रस्सी को कस के खींचने पर वो वॉल्व खुल जाता है और उसकी हवा गुब्बारा फुलाने जैसा काम करती है, और ये लाइफ राफ्ट जो अंदर बांध बांध के रखा हुआ था कैनिस्टर के अंदर फूल जाता है। इस कैनिस्टर के अंदर में ये रहता है, इमरजेंसी में ये लाइफ राफ्ट अपने आप खुल के पानी के बाहर आ जाता है, अगर इन केस जहाज डूब रहा हो तो। जैसे कि अचानक कोई जहाज बहुत तेजी से डूब गया, मौका नहीं मिला लाइफ बोट लॉन्च करने का, ठीक है, और आदमी लोग पानी में आ गए, तो या तो वेट करो कि कोई लॉन्च करे लाइफ बोट, लाइफ बोट लॉन्च करना पॉसिबल नहीं है, तो इस समय ये लाइफ राफ्ट जो है आपका मदद करेगा। लाइफ राफ्ट ये अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा, ओके। कैसे आएगा बाहर, कैसे आएगा बाहर, ये HRU के कारण आएगा। जैसे ही ये लाइफ राफ्ट थोड़ा सा लाइफ राफ्ट जैसे ही ये शिप पानी के अंदर जाएगा, करीब करीब 4 मीटर के आसपास, यहाँ लाइफ राफ्ट जो कि HRU से HRU की मदद से बंधा हुआ है, ये अपने आप ही HRU काम करेगा। इसके ऊपर पानी का प्रेशर पड़ेगा, जैसे कि डायफ्राम अभी हम लोग अपने दिखाएंगे कैसे काम करता है, और ये लैशिंग खुल जाएगी और ये लाइफ राफ्ट जो है आपका फ्लोट करके बाहर आ जाएगा। ये HRU है, हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट, वो काम करेगा, और अंदर जो लाइफ राफ्ट है पेंटर के खींचने से वॉल्व खुलेगा। ये देखिए आपका ये वॉल्व है, ये पेंटर से जुड़ा हुआ ये सिलेंडर का वॉल्व है, गैस का सिलेंडर है। इस सिलेंडर का वॉल्व जो है, ये गैस का कैनिस्टर है अंदर में, उसी कैनोपी के अंदर ही बंद रहता है। लाइफ राफ्ट के जो बलून जैसा स्ट्रक्चर है उसके साथ ही पेंटर जब हम खींचते हैं, उसका पेंटर मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, पेंटर जब खींचते हैं तो वॉल्व ये खुलता है और इसके अंदर भरा हुआ गैस जाके पूरा लाइफ राफ्ट को फुला देगा। ये खींचा और ये ढक्कन खुला और गैस पहुंची और पूरे लाइफ राफ्ट को ये फुला देगी। इस लाइफ राफ्ट को मैनुअली भी लॉन्च किया जा सकता है। सोलास के हिसाब से हर लाइफ राफ्ट जो है HRU की मदद से बंधा होना चाहिए, परंतु जो फॉरवर्ड के लाइफ राफ्ट होते हैं बाहर सामने के आगे की तरफ के, उसमें HRU नहीं मिलेगा। लाइफ राफ्ट की लैशिंग में लगे हुए इस हुक को बोलते हैं सेन हॉस स्लिप हुक या पेलिकन हुक।
ये लाइफ राफ्ट के क्विक रिलीज के समय बड़े काम में आता है, मैनुअल क्विक रिलीज के समय। अगर लाइफ राफ्ट को मैनुअली फटाफट खोल के पानी में डालना हो इस्तेमाल के लिए, तो इस स्लिप बुक से फटाफट उसके खोल के, लैशिंग को खोल के लाइफ राफ्ट को पानी में फेंका जा सकता है, मैनुअल रिलीज किया जा सकता है। तो जब मैनुअल रिलीज करना होता है, जब मैनुअल रिलीज करना होता है तो ये स्लिप हम ऊपर कर देते हैं, खोल देते हैं और यहाँ से खुल जाता है लैशिंग, और इसको उठा के हमको फेंकना होता है इस लाइफ राफ्ट को, इस पूरे डब्बे को फेंक देंगे। ओके, और ये जो लैशिंग है ये खुल जाएगी अगर यहाँ स्लिप हम लोग निकाल देंगे, तो ये स्लिप जो है इधर वाली। ओके, नीचे का हिस्सा इसका जहाज के डेक से कनेक्टेड रहता है। ओके, स्ट्रॉन्ग पॉइंट से ये स्लिप खोला, हाथ से खोल दिया, मैनुअल रिलीज हो गया, निकल गया बाहर। ओके, और ये लैशिंग खुल गया, लैशिंग यानी कि इसका स्ट्रैप खुल गया। एक चीज होती है वीक लिंक, ये लैशिंग जुड़ी होती जहाज के स्ट्रॉन्ग पॉइंट से और वीक लिंक बीच में होता है, एचआरयू और स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बीच में वीक लिंक होती है। ओके, एचआरयू क्या करता है कि लैशिंग तो खोल देगा लेकिन ये वीक लिंक से अभी भी इसका पेंटर, ये जो रस्सी जा रही है, पेंटर जुड़ा हुआ है, यहाँ से बगल में रस्सी जा रही है। ओके, लैशिंग खुली और ये फ्लोट करके ऊपर जा गया कैनिस्टर, करीब करीब 4 मीटर के डिस्टेंस पर ये एचआरयू अपना काम करता है। देखिए, हर 10 मीटर पर 1 kg/cm² का प्रेशर पड़ता है पानी में, समंदर के पानी में, अप्रॉक्सीमेटली हर 10 मीटर हाइट पर 1 kg/cm² का प्रेशर पड़ता है। तो 4 मीटर यानी करीब करीब 0.4 kg/cm² का प्रेशर जब पड़ेगा डायफ्राम पे एचआरयू के, तो आपका ये लाइफ राफ्ट रिलीज हो जाएगा। ओके, ये रिलीज हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे काम कैसे करता है अंदर, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे डायफ्राम है, डायफ्राम इसके ऊपर पानी का प्रेशर पड़ता है। ये डायफ्राम ने चाकू को रोक के रखा हुआ है, यहाँ पिन देख रहे हैं, पिन इसने इसको रोक के रखा हुआ है चाकू। ये पिन जैसे ही रिलीज होगा चाकू आगे बढ़ेगा और रस्सी को काट देगा। कैसे आगे बढ़ेगा, यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो है कंप्रेस करके रखा हुआ है, स्प्रिंग रिलीज होगा और ये चाकू इसको काट देगा। अब ये पिन कैसे हटेगा, यहाँ पे स्प्रिंग ने धक्का मार के इसको रोक के रखा है। अभी पानी का प्रेशर पड़ेगा इस डायफ्राम पे तो ये डायफ्राम ऊपर जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, ये रिलीज हो जाएगा, यहाँ का कंप्रेशन रिलीज होगा और चाकू इस रस्सी को काट देगा, आपका लैशिंग फ्री हो जाएगा। कैसे देखते हैं, ये हाइड्रोलिक प्रेशर ऑपरेटर डिस्क है यहाँ पे, ये खुला और ये आगे बढ़ा चाकू और काटा इसको, काटा तो ये आपका लैशिंग खुल जाएगा। लेकिन वीक लिंक से अभी भी पेंटर जो है जुड़ा हुआ है, अभी भी लाइफ राफ्ट एचआरयू काम कर गया है, लाइफ राफ्ट पानी के बाहर आ गया है, लेकिन इसका पेंटर अभी भी वीक लिंक से जुड़ा हुआ है, अभी भी इसका पेंटर जो है ना वीक लिंक से जुड़ा हुआ है। ये पेंटर भी टूटना जरूरी है, नहीं तो लाइफ राफ्ट इससे जुड़ा ही रहेगा हमेशा। लेकिन पेंटर यहाँ वीक लिंक तोड़ने से पहले एक काम करता है कि इस कैनिस्टर के अंदर में जो हमारा गैस का सिलेंडर है जिससे कि लाइफ राफ्ट खुलेगा, उसको खोल देता है, गैस को खोल देता है ताकि लाइफ राफ्ट खुल जाए। यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, जहाज नीचे जा रहा है, अभी जहाज अभी नीचे जा रहा है और लाइफ राफ्ट जो है फटाक से कैनिस्टर तोड़ के कैसे खुल जाता है, लाइफ राफ्ट अपने शेप में आ गया। लेकिन अभी भी ये जुड़ा हुआ है, अभी भी ये रस्सी जुड़ी हुई है, अभी भी ये रस्सी जुड़ी हुई है, और जहाज नीचे जाएगा तो ये कोशिश करेगा कि लाइफ राफ्ट को भी घसीट के ले जाए नीचे। लेकिन अब हमारा वीक लिंक को टूटने का समय आएगा, उसका नाम ही वीक लिंक इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा कमजोर होता है बेचारा, उसको डिज़ाइन किया गया है कि थोड़ा प्रेशर पड़ेगा रस्सी में तो वो टूट जाएगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं टूटेगा कि वो गैस का कैनिस्टर न खोल पाएगा। गैस का कैनिस्टर खोलेगा, लाइफ राफ्ट को फुला देगा, तब उसका टूटने का बारी आता है। अब उसके बाद में ये इधर से टूट जाएगा, टूट गया तो ये लाइफ राफ्ट फ्री हो गया। एक्चुअली ये वीडियो में रस्सी इधर दिखाया है, ये गलत है,
ये रस्सी यहाँ से जुड़ा होना चाहिए, वीक लिंक नीचे से टूटता है इधर से, ओके। तो अब लाइफ राफ्ट फ्री हो गया है, जहाज़ को नीचे जाने दो, अब जो भी सर्वाइवर्स हैं उस लाइफ राफ्ट में बच जाएंगे, ओके क्लियर। दूसरा तरीका है कि अगर मैनुअल लॉन्चिंग करनी है तो आपको जैसा मैंने बताया वो स्लिप से खोलेंगे, ये मैनुअल लॉन्चिंग के समय में आप ये स्लिप खोलेंगे ऐसे अपने हाथ से ही, लैशिंग खुल गई, ओके ये लैशिंग खुल गई आपकी। फिर उसके बाद उसका जो पेंटर है वीक लिंक से जुड़ा था अभी तक, उस पेंटर को वीक लिंक से खोल के हम यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर बांध देंगे जहाज के। स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे क्यों बांधेंगे, क्योंकि हमको दो लोग को इस उठा के फेंकना है। अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर नहीं बांधेंगे तो लाइफ राफ्ट पानी में गिरने के साथ साथ पता नहीं कहाँ बह जाएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। अब इसको उठाएंगे मैनुअली, देखा नीचे कुछ है नहीं, क्लियर है, किसी के सर पे हम नहीं फेंकने जा रहे हैं, दो लोग उठाएंगे और उसके बाद में पानी में फेंक देंगे, ओके। फिर से देखिए मैनुअल रिलीज के समय में सबसे पहला काम करेंगे कि उसका पेंटर वीक लिंक से खोल के किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बांध देंगे, ओके स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बांध देंगे। फिर फेंकने से पहले ये तो उसका स्लिप खोलेंगे, स्लिप खोल के लैशिंग रिलीज कर देंगे, नीचे झांक के देखेंगे कि नीचे पानी के में कुछ है नहीं, किसी के सर पे हम नहीं फेंकने जा रहे हैं, दो लोग उसे उठाएंगे, दो लोग उठाएंगे एक साथ साथ। पेंटर हमने कहा है कि मैनुअल रिलीज के समय आप भूलिएगा मत, मैनुअल रिलीज के समय एकदम नहीं भूलना है कि ये जो पेंटर है किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर बांध देंगे। इस समय पेंटर वीक लिंक से खोल के हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बांध देंगे, दो लोग उठाएंगे इसको और फिर पानी में फेंक देंगे, पानी में फेंक देंगे, एक बार पानी में चला जाएगा, एक आदमी कोशिश नहीं करेगा फेंकने का, दो लोग फेंकेंगे। पेंटर अभी भी जुड़ा है, अगर पेंटर नहीं जुड़ा रहेगा तो ये जो है आपका पता नहीं कहाँ चला जाएगा तैरते हुए, ओके। एक बार जब चला गया पानी में तो झटका मारेंगे कस के और ये लाइफ राफ्ट खुल जाएगा और उसके बाद में आप धीरे धीरे जैसा भी आपका उतरने का तरीका है, अगर फ्री बोट छोटा है तो आप जो है कूद जाएंगे सीधे उसके अंदर में, अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो एम्बार्केशन लैडर वगैरह उससे आप जो है लॉन्च करेंगे अंदर में, जो पानी में ऑलरेडी हैं वो किसी तरह उसमें चढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई शार्प आइटम नहीं होना चाहिए जेब में कहीं पर, आप जूते उतार देंगे इसलिए क्योंकि ये है तो एक्चुअली पॉलिएस्टर का या फिर मटेरियल का, ऐसी मटेरियल का जो कि पंचर हो सकता है, हवा भरी हुई है, गैस भरी हुई है इसके अंदर में और ये पंचर हो सकती है, ओके।